नमस्कार, मुजफ्फरपुर न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबरें। मुजफ्फरपुर में मानव श्रृंखला में उमड़ी लाखों की भीड़। बिहार में बाल विवाह और दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने के संकल्प के साथ मुजफ्फरपुर शहर में मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पर बिहारवासी उतरे खड़े हुए। इस अभियान के दौरान लोगों का भरपूर सहयोग मिला। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी न हो, बाल विवाह और दहेज प्रथा सामाजिक कुरीतियां हैं। इसे खत्म करने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। मुजफ्फरपुर शहर में मानव श्रृंखला को लेकर मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ जिला के एसएसबी विवेक कुमार, मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी ललन सिंह, अपर समाहर्ता डॉक्टर रघुनाथ चौधरी, कमांडेंट एसएसबी 32 बीएम अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। मानव श्रृंखला बनाने में मुजफ्फरपुर जिला से 20 लाख से अधिक लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र पटना का गांधी मैदान था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुब्बारों को हवा में उड़ाते हुए इसकी शुरुआत की। मानव श्रृंखला के निगरानी के लिए बिहार में 40 ड्रोन कैमरा का सहारा लिया गया।